हेलो दोस्तों, आज अपन देखेंगे मैथ्स में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। तो अपना पहला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, रीड कीजिए इसको। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक 15 मीटर लंबे बिजली के पोल की परछाई कितनी लंबी होगी यदि उसकी शिखर का उन्नयन कोण 15 डिग्री हो। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला लगेगा जी इसमें। ये देखिए, अगर एक बिजली की खंभा वाली जो पोल रहती ऐसी खड़ी रहती है, और ये मान लीजिए 15 मीटर की है, तो अब यहाँ से इसकी परछाई बनेगी, तो ऐसे करके परछाई बनेगी, और ये परछाई की डिग्री कितनी है बोल रहा है जी, 15 डिग्री है बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 15 डिग्री है बोल रहा है, तो अपना यहाँ से अपन किसकी फॉर्मूला लगा सकते हैं जी, तो टेन की फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, 10 15 डिग्री। अब 10 होता क्या है, लाल बटा कक्का, अपने को तो पता ही है, तो लाल लाल लम बटा आधार हो जाएगा, तो लम क्या है अपना 15 है, आधार तो अपने को दिया ही नहीं है, तो आधार कैलकुलेशन करना है। तो 10 15 डिग्री की वैल्यू मैं आप लोग को कुछ दिन पहले लिखवाया था, क्या होता है जी, तो √2 − √3, नहीं एक रॉन्ग है जी, 2 − √3 होता है, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा क्या दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ए इक्वल लिखें तो 15 2 − √3 हो जाएगा। अब इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे तो क्या होगा जी, अब हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, आगे देखिए 15 / 2 − √3, अब हर का परिमेयकरण होगा 2 + √3 2 + √3, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा, अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 15 √3 हो जाएगा। अब देखिए दोनों सेम डाटा है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट जब देखेंगे तो -3 आ जाएगा। अब फिर इसमें देखेंगे और आगे तो क्या होता है जी दोस्त, 30 + 15 √3 हो जाएगा, यहाँ तो अपना वैल्यू 1 हो गया। अब 30 तो अपने को पता ही है, लेकिन √3 की जो वैल्यू है ये तो आप लोग कैलकुलेशन करके रखे थे क्या एक बार, कि 1.7 32 होता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर अगर आगे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 30 + 15 1 × 1.72, अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा जी, हाँ तो 30 + 25 और पॉइंट आ जाएगा 98, अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 30 में 25 ऐड करेंगे ये तो 55.98 मीटर। तो इसकी जो परछाई आएगी क्या आ जाएगी जी, 55.98 मीटर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर अपन अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं अपन। देखिए क्या बोल रहा है, एक नदी पर बना एक पुल क्या है, 100 मीटर है। ठीक है, और यदि नदी के जल की सतह की स्थिति दो बिंदुओं के पुल पर उच्चतम बिंदु से औन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अपना क्या है, एक पुल है, यह अब यहाँ से दो बिंदुओं बन रही है जिसपे क्या डिग्री डिग्री दिया हुआ है, अपने को देखिए ध्यान से, एक पे दिया है 30 डिग्री दिया है और एक पे दिया है 45 डिग्री इस पुल पे, और इसके साथ औन्नयन कोण बना रहा है ये 30 डिग्री का बोल रहे हैं ना। ठीक है देखो, अब पुल की हाइट कितना दिया है जी, ऊंचाई 100 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें नदी यहां से क्या बोल रही है, नदी बह रही है। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे जी इसको, तो पहले इतने को देख लें क्या, तो 10 45 बोल सकते हैं इसको, 10 45 बोलेंगे ना यहाँ को अपन, अगर इस ट्राइंगल को अपन ऑनली अगर निकाल के यहाँ पे ले आए तो अपना ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, तो ये क्या है 100 मीटर है, इसकी डिग्री 45 डिग्री है, तो अपन इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। तो कैसे होगा, 10 45 डिग्री इक्वल क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, 100 बटा आधार हो जाएगा, यही होता है ना। ठीक है, तो अपन ए की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, 10 45 की वैल्यू क्या होती है जी, 1 होती है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी, तो मतलब आधार की वैल्यू कितनी आ गई जी, 100 आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई हमारी, 100 मीटर आ गई। ठीक है,
अब अपने को इसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं क्या? अगर इसकी दूरी अपने को पता चल गई तो कैसे ज्ञात होगा? तो देखिए अपने को क्या पता है, अब सेकंड ट्राइंगल में देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सेकंड ट्राइंगल कैसे बनेगा, तो ये 100 मीटर की तो हाइट थी ही, और यहाँ से ये अपना 45 डिग्री था, ठीक है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा था। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने को 100 पता है, तो अपन 10 की फॉर्मूला लगाएंगे क्या, 10 30 का, तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 100 100 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं अपन डी सी और ए बी। तो डी सी डी और सी, यहाँ से डी और सी हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस 100 हो जाएगा दोस्तों, 100 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, तो अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, तो 100 डी सी प्लस 100 हो जाएगा। अब फिर इसको अगर डी सी की वैल्यू अपने को कैलकुलेट है तो क्या हो जाएगा जी, √3 इस तरफ आ जाएगा, तो डी सी प्लस 100 इक्वल हो जाएगा 100 √3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, जब इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ए डी सी की जो वैल्यू है हमारी कितनी आ जाएगी पता है आपको, 73.2 मीटर, ठीक है जी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 73.2 मीटर। फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप देखिए एक चिमनी पे बेस्ड क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है ये, तो एक चिमनी और एक मीनार है, तो अपन एक को डायग्राम बना लें क्या, एक चिमनी और एक मीनार का, तो इधर एक चिमनी बना लेते हैं और एक तरफ एक मीनार बना लेते हैं। मीनार क्या होता है जी, लंबा होता है ना, तो मीनार और क्या बोल रहा है, एक ही समतल पर हैं, तो इसकी समतल भी एक कर लेते हैं ए लो, ठीक है दोस्तों। फिर क्या बोल रहा है, मीनार के ऊपर सिरे की चिमनी की आधार का उन्नयन कोण कितना है जी, 60 डिग्री, यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना बता रहा है, 60 डिग्री, ठीक है, तथा चिमनी की ऊपर सिरे से मीनार के आधार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहाँ से इसकी कितनी बता रहा है, यहाँ तक की डिग्री 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। और क्या बता रहा है आगे, फिर यदि चिमनी की ऊंचाई 50 मीटर है, इसको अपन चिमनी माने तो 50 मीटर है, मैं लिख भी देता हूँ जी, बाद में कन्फ्यूजन ना है, चिमनी हो जाएगा। और फिर क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तो अपने को मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करना है जी, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ की फॉर्मूला लगाएंगे क्या 10 30 करके, तो देखिए अब यहाँ पे 10 30 इस डिग्री को कंसीडर कर देते हैं, तो लम क्या हो जाएगा जी, ये लम हो जाएगा, तो लम अपने को यहाँ तक की पता ही है, तो ये तो सिमिलर होगी, यहाँ तक आप लोगों को भी पता है, तो अपन 50 कैलकुलेशन कर लेते हैं इसके अगर रिफरेंस में देखेंगे तो, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अपन इसको वैल्यूशन कर लें क्या, ए डी सी बी, ठीक है, तो अपना ए डी की वैल्यू ज्ञात करना है अपने को, इसकी ज्ञात होगा तो इसकी ज्ञात हो जाएगा, तो ए डी ज्ञात कर लेते हैं, तो फिर ए डी कैसे ज्ञात होगा जी, 10 30 वैल्यू होते हैं 1/√3, 50 और ए डी, तो फिर यहाँ देखेंगे तो ए डी इक्वल हो जाएगा 50 × √3। अब √3 की वैल्यू अपने को पता है क्या जी, कि 1.73 होता है, 1.73 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो कितना आएगा जी, नहीं अभी इसको इसी में रखे रहते हैं, फिर बाद में दिक्कत मत हो, तो ये वैल्यू अपने को कितना पता चल गया, 50 √3। तो अपन इसके फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या रिफरेंस में, तो अब देखिए 10 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा हाइट अपान ए डी, आधार हो जाएगा ना जी, इसकी अपने को हाइट का कैलकुलेशन करना है, तो ए डी की वैल्यू अपने को पता है, तो 10 60 की वैल्यू क्या होता है जी, √3 होता है क्या, और हाइट क्या हो जाएगा एच, और ए हो जाएगा 50 √3 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आगे क्या होगा, तो √3 × 50 √3 इक्वल एच होगा, √3 से √3 क्या होता है, यहाँ देखिए √3 से अगर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है जी, तो इसमें क्या हो जाएगा 50 × 3 हो जाएगा इंटू एच, तो कितना हो जाएगा जी 150। तो
इसकी हाइट कितनी आ जाएगी जी, 150। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो अगर 60 या 30 डिग्री दिया है तो सीधा इसकी 3 गुना कर दीजिएगा, ठीक है, अगर डायरेक्ट आपको सॉल्व करने में दिक्कत होता है तो। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए फिर क्या बोल रहा है, एक मंदिर के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा टावर के आधार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मंदिर और टावर एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर हो तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, तो टावर और मंदिर की अपने को दूरी ज्ञात करना है, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। क्या आप इसको करके आइएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं जी, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही।